सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ भुवं भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्भवे धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। So guys, anybody else for the presentation? Sir. This is our market. So ladies and gentlemen, हमारे पास available resources और हमारी efficient man force को देखते हुए आज हमें इस पोजीशन पर होना चाहिए, लेकिन आज हम वहां नहीं। इनफैक्ट आज हम यहां पर। मिस्टर प्रदीप, हम मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है मिस्टर कुकरेजा। बेसिकली आई डोंट बिलीव इन रीजंस, आई बिलीव रिजल्ट्स। इसलिए जो आज तक नहीं हो पाया वो हम अब करके दिखाएंगे। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक घुमाव की जरूरत है। इनफैक्ट अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। This is my future plan and this is my target. और मुझे पूरा यकीन है अगर हम इन्हें ठीक से फॉलो करें तो हमें मार्केट में नंबर वन पोजीशन अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। Well done, Pradeep, well done. हमेशा की तरह तुम्हारा प्रेजेंटेशन A1 था। You are the best. And that's why you have been promoted to the position of the vice president of the company. Congrats. Thank you, sir. सपना, फिर से सपना देख रहे हो प्रदीप? मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ। यार मोना, कभी तो सपना पूरा होने दिया करो मेरा। मोना, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं सपने देख रहा हूँ? ग्यारह साल हो गए शादी को, अब नहीं पता होगा तो कब पता होगा? और वैसे भी अब सुबह सुबह तुम मुझे रोमांटिक हक तो दोगे नहीं, है ना? जो पहले डेलिब्रेटली होता था अब वो एक्सीडेंटली होता है पति जी। वैसे चिंता मत करो, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी। कब मिलेगी प्रमोशन? चप्पल तो सीधी रखते नहीं हो। उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। अब क्या? अभी ऑफिस जाना होगा। यार ऑफिस नहीं आ सकता यहाँ। नहीं आ सकता, चलो उठो काम पे जाना। रात भर काम ही तो कर रहा था। यार फोन साइलेंट में नहीं रख सकती? सुबह सुबह कौन है सच्ची? हेलो, ये मेरा नया मोबाइल नंबर है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, आपकी विमला भाई। ये मेरा नया मोबाइल नंबर है दीदी, सेव कर लेना। और मैंने कल आपको इसी नंबर से SMS भेजा था, मिला? मैंने देखा नहीं, बोल फोन क्यों किया? यार फोन बंद करो ना प्लीज। अरे भाई का फोन है, अभी नहीं रख सकती, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ बोल। दीदी मैं आज काम पर नहीं आएगी। हाँ क्यों? वो मेरा मर्द आयला है ना नाना सोपरा से, वो मेरे को घुमाने लेके जा रहा है। अरे तो कल रात को बताना चाहिए था ना, मैं रात को बर्तन कर देती। अभी सुबह सुबह फोन करके बताएगी तो अचानक काम कैसे करूंगी मैं? अब कितना किटपिट करते हैं दीदी, मेरा महीने का 4 दिन छुट्टी बनता है ना, एक दिन काट लेना। अरे फोन काटते भाई की जिंदगी में छुट्टी, लेकिन मेरी जिंदगी में नो छुट्टी।
अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा एडवेंचरस है। चल बेटा शुरू हो जा। कौन जाएगा? राजवीर ब्रश करो बेटा। घर का सबसे छोटा बच्चा अभी भी सो रहा है क्या? यार कुछ तो बात है, मेरे में बाइसेप्स तो हैं, तेरे से कम बाइसेप्स नहीं है। स्टमक देख। बेटा वो तो जिम जाने का टाइम नहीं मिलता ना, वरना तेरे से बेहतर बॉडी होती। और कटरीना कैटी साइड मटो भाई। हेलो कटरीना की फोटो देखना बंद करो, लेट हो जाओगे, 9:30 बज चुके हैं। अरे नहीं नहीं मैं कटरीना की फोटो रहने दो। अरे यार मोना मैं किसी की फोटो थोड़ी ना देख रहा हूँ। जाने दो, 11 हो गए हैं प्रदीप शादी को, तुम्हें अपनी जानूंगी तो कब जानूंगी हैं? और वैसे भी कटरीना की फोटो ना फ्लश टैंक के पीछे रखना बंद करो, किसी दिन बच्चे देख लेंगे ना तो सवाल पूछ पूछ के नानी याद दिला देंगे। क्या यार दरवाजे में छेद वेद किया हुआ है क्या? नहीं तो मोना मैं कैसे पता चलता है कि मैं अंदर कटरीना की फोटो देख रहा था? शादी के पहले साल ही पता चल गया था मुझे। एक्चुअली मुझे भी फिल्म लाइन में जाना था। उस दिन ऑडिशन था, दिसंबर का महीना था और कॉलेज फेस्टिवल का 4th दिन। तुम्हें पहले भी बताया हुआ है क्या? नहीं तो एक बार कहा, 1000 बता चुके हो मुझे। अरे मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, अगर उस दिन ऑडिशन के लिए मैं लेट नहीं पहुंचा होता तो आज एक्टर बन गए होते सर ऑटोग्राफ। अरे मोना मजाक मत करो यार, लाइफ भी मेरी ऐसी ही अधूरी रह गई। कॉमर्स स्टूडेंट था, टॉप किया था बेल्ट, लेकिन फिर भी MBA नहीं कर पाया। कर लिया होता तो आज अंबानी होता, और अगर कहीं फिल्म लाइन में चला गया होता ना तो सलमान खान होते। हाँ और कटरीना मेरी गर्लफ्रेंड होती, समझी? लेकिन उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, लकी तो मैं निकली, कटरीना को तुम नहीं मिले लेकिन मुझे तुम मिल गए। हाँ तुम सच में ऐसा सोचती हो? और नहीं तो क्या, जरा देखो तो अपने आप को। यार बाल वाल आजकल लंबे हो गए ना थोड़े। ओए हैप्पी सिंह, खुश हो गए? हाँ और क्या, नाश्ता रेडी है चलो। हाँ पापा का कितना सारा परफ्यूम लगा लिया, बदमाश बच्चे। और मम्मी ने कितनी बार बोला कि पापा मम्मी की बातें ऐसे खड़े होके सुनते नहीं है, नॉटी बॉय। सॉरी मम्मा। एक बात पूछूं? पूछो। क्या एक्चुअली हमारे पापा आली लम्बानी और सलमान खान से अच्छे? अब वो तो नहीं पता, लेकिन वो हमारे पापा है तो ही इज द बेस्ट, राइट? राइट। ए राइट, गुड बॉय। ये ऑमलेट जल गया, हे रब्बा। बोल क्या लगा रखा है ये सुबह सुबह, बंद करो चलो। मॉम प्लीज 2 मिनट। नहीं कभी बात नहीं तो सुनेगी मेरी, चलो बंद करो। नहीं चलो उठो, नाश्ता रेडी है, आ जा। मम्मी मुझे और बटर चाहिए। बटर और नहीं मिलेगा, ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, नो मोर बटर। और तुम क्या कर रहे हो, पेपर देखना बंद करो, जब देखो तो बॉम्बे टाइम्स, नाश्ता करो। सलमान खान शाहरुख खान, उसने ये खरीदा उसने वो खरीदा। अरे यार क्या खराबी इन लोगों के बारे में पढ़ने में, वैसे भी तुम तो जानती हो तो मैं बिजनेस न्यूज पढ़ता हूँ या फिर फिल्मी न्यूज, पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स स्कैंडल में बाप बेटे को कोई इंटरेस्ट नहीं, क्यों राजवीर? यस नो, वैसे भी इन लोगों के बारे में पढ़ो, लकी लोगों के बारे में तो दिन अच्छा गुजरता है मैडम। अरे रहने दो, ओ वो जला हुआ है वो, मतलब ये ले। अरे देखो क्या लाइफ है इनकी,
क्या कपड़े पहनते हैं लोग। चलो यार, किसी की तो लाइफ सही गुजर रही है, वरना अपनी लाइफ तो वही रूटीन, वही भागदौड़, वही ऑफिस, वही का वही बॉस, और वही का वही बॉस का वो चमचा जो मेरा क्रेडिट खा जाता है। बाय द वे, ऑफिस से याद आया, हाँ, शाम को तुम्हारी ऑफिस पार्टी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स आएंगे, एडवर्टाइजर्स आएंगे, और हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें तो वाकई में सब कुछ याद है। अच्छा, पिछले 20 दिनों से सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक और शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पार्टी पुराण सुनती आई हूँ मैं। मजाक उड़ा रही हूँ मेरा? नहीं, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। लेकिन मैडम, ये पार्टी वाकई में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रमोशन, मेरा इंक्रीमेंट सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। समझ में आया? समझी। अच्छा, मैं चलता हूँ। सी यू देन, लेट हो रहा ऑफिस के लिए। अरे तुम्हारा लंच, एक मिनट। चलो देन, सी यू एवरीबॉडी, बाय। ब्रो, मुझे टेनिस रैकेट और स्पोर्ट्स शूज चाहिए। बेटा, अभी पापा का मंथ एंड चल रहा है ना, तो एक मिनट मैं बात करता हूँ। बेटा अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। 5 तारीख के बाद बुलबुल जो मांगेगी पापा ला कर देंगे। पर कल एडमिशन का लास्ट डेट है। बेटा, आपकी टीचर से मैं खुद आकर बात करूंगा, आपका एडमिशन हो जाएगा पक्का। पापा, नेक्स्ट मंथ पक्का। बेटा नाश्ता करो। प्लीज। अरे रुमाल। ओहो, सुनो एक मिनट। अरे प्रदीप, ये ले लो। यार मुना, हाँ? बच्चों को ना नहीं बोला जाता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रमोशन मिल जाए, ताकि बच्चों को जब चाहूँ जो चाहे दे सकूँ। मुना, आज की पार्टी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज कैसे भी करके मुझे बॉस को इम्प्रेस करना ही करना है। हाँ। अच्छा, वो कल मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे ना? हाँ, दिए थे। तो ऐसा करना, उन पैसों से ना एक अच्छी सी नई साड़ी ले लेना, सिल्क की। लेकिन प्रदीप, उसका समझा करो यार, ये सब शू शाइनिंग करनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि बॉस की बीवी तुम्हें देखे, तुम्हें पसंद करे और किसी तरह हमारा काम बन जाए, समझी? लेकिन प्रदीप, मेरे पास और भी तो साड़ियाँ हैं ना। अरे जानता हूँ यार, गिन चुन कर वो 4 कॉटन साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास और एक हरी साड़ी, बार बार उसी को पहनती रहती हो, तो प्लीज यार उनमें से कोई साड़ी मत पहनना। प्रदीप, देखो मुना, मेरी इज्जत का सवाल है यार, अगर एक बार बॉस और उनकी बीवी को इम्प्रेस कर दिया ना, तो मेरा रेस पक्का है। लेकिन मुना, ये तभी पॉसिबल है जब तुम मेरा साथ दो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मुना, हाँ? मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? किस? सैटरडे है नहीं ना? रुमाल दो। चाओ। बाय। प्रदीप। अरे आ रहा हूँ ना। आइए आइए, खड़ी ऑटो में भी मीटर चालू रहता है। क्या पिएगा, चाय या कॉफी? कोई भी दे दे यार, चॉइस कहाँ है लाइफ में। अरे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, चॉइस नहीं है, कॉफी पी ले। अरे क्या बात है प्रदीप, यार बड़े थके थके से लग रहे हो। यार काम कर रहा था रात भर, मतलब देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोए नहीं हो। अरे यार काम कर रहा था, समझा? मैं भी तो वही कह रहा था। यार एक तो काम बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ और तुझे। हाँ भाई, वैसे भी शादी के इतने सालों बाद वो भी काम ही लगने लगता है। Good morning guys. Morning, morning. 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 Good morning, sir. Hi. Nice shirt, Pradeep. Thank you, sir. So my presentation tayar hai? Yes, sir. Presentation ready, sir. See you guys. Oh, by the way, tum sab aaj shaam ko company ki annual party mein aa rahe ho, right? Good. Especially guys, main chahta hu aap sab apni wives ke saath aaye. Oh, yeah, Pradeep. Yes, sir. Jo tera chhota beta hai na, yaar usko party mat lana. Tere ko yaad hai last time ki party mein usne kitna chaos kiya tha? मैं नहीं चाहता इस बार की पार्टी में ऐसा कुछ हो। I hope you understand, yeah, Pradeep. And guys, 5 minutes presentation. All right? See you. किसने बनाया ये प्रेजेंटेशन? सर वो सर एक्चुअली मैं आपको वही बताना चाह रहा था सर, ये प्रेजेंटेशन। It's amazing work. The concept is so well defined. मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इस प्रेजेंटेशन के साथ क्लाइंट्स के पास गए तो वो definitely convinced हो जाएगा। Thank you, sir. Sir, actually, मैं आपको वही बताना चाहता था, ये प्रेजेंटेशन सर मैंने बनाया। सर, आप मानेंगे नहीं, लास्ट वीक कंटिन्यूअसली सर ये प्रेजेंटेशन बनाने में लगा रहा सर। सर यहाँ तक कि उन 7 दिनों में मैं सोया तक नहीं सर। सर थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्लैड आपको प्रेजेंटेशन पसंद आया। रियल गुड वर्क। थैंक यू सर। वो आज शाम की पार्टी में आप लोग आ रहे हैं ना? Of course, sir. See you guys there. Thank you, sir. See you at night, sir.
बॉस तो बॉस, प्यून भी नोटिस नहीं कर रहा यार, खुद ही ले लेते हैं यार। अगर यही हाल रहा ना तो इसी पोस्ट पर काम करते करते हम बुढ़े हो जाएंगे, रातें हमारी खराब होंगी और क्रेडिट एक कुकरेजा ले जाएगा। कॉफी तो देना यार। वैसे यार अब बस बहुत हो गया, अब मैं बगैर प्रमोशन के नहीं रह सकता। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यार, नेक्स्ट ईयर बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है और आजकल अच्छी एजुकेशन की कॉस्ट तो तू जानता ही है। तो क्या करेगा है? करेगा क्या? आज शाम की पार्टी में ही बॉस को बता दूंगा कि आज की प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, उसको क्रेजा नहीं, सिंपल। वो विश्वास करेंगे तेरा? अरे क्यों नहीं करेंगे, इज अ नाइस गाय, और फिर हमको झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। हाँ सही कह रहा तू, लेकिन इससे पहले फोन कर लेते मोना भाभी और पम्मी। लगा लगा दोनों शॉपिंग के लिए निकले या नहीं? सुधरेगी नहीं, एक मिनट, उसका फोन है। हेलो। हाँ हेलो पम्मी, अरे तुम दोनों शॉपिंग के लिए निकले या नहीं? हाँ हाँ पहुंच गए है। हेलो भाभी, जरा मोना से बात कराना। अच्छा एक मिनट लो। हाँ प्रदीप बोलो। मोना अच्छी से अच्छी साड़ी खरीदना प्लीज, हाँ आज शाम की पार्टी हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो गई है। अच्छा सुनो यार, राजवीर को साथ मत लाना प्लीज, तुम तो जानती हो ना कितना परेशान करता है। अरे प्रदीप बच्चा है वो अभी। अरे बच्चा है तभी तो कह रहा हूँ, प्लीज उसे घर पर ही छोड़ देना प्लीज। ओके रखूं, बाय। ओए मोना, अरे ये वाली साड़ी देख, वाव, आज के बॉम्बे नाइट में प्रियंका चोपड़ा की फोटो आई थी, ऐसी ही साड़ी पहनी थी उसने। ले प्रियंका चोपड़ा का मैं क्या करूं, कटरीना ने जो पहनी वो दिखा। ये देखिए मैडम जी, डायमंड वर्क के साथ में। कितनी प्यारी है ना, वेरी नाइस। ये अच्छी है, ये कितने की है? सिर्फ 12,000। ये नहीं, 12,000 थोड़ा ज्यादा है, इससे कम थोड़ा। आपकी रेंज क्या है, मैं उसमें दिखा देता हूँ। 7,000 या फिर उसमें भी थोड़ा कम। भाई 7,000 वाली दिखा दे। और हाँ भाई साहब, मुझे ग्रीन नहीं, पिंक या फिर कोई और कलर दिखाइए, उन्हें लगेगा कि मैं अपनी वाली ग्रीन डिजाइनर साड़ी पहन के आ गई। ये देखिए मैडम, ये अच्छी है, ब्यूटीफुल। नहीं ये कितने की है? ये है 7,000 की। मुझे तो ना समझ में नहीं आ रहा है, इनकी ऑफिस पार्टी से मेरा साड़ी खरीदने का क्या तुक बनता है, वेस्टेज ऑफ मनी। ये मैडम है 7,100 की। वाव, थोड़ा कम कीजिए ना प्लीज। नहीं मैडम, यहाँ प्राइस कम नहीं करते हैं। ये ले लीजिए, इसमें कम कर देता हूँ। तो मैं ये पिंक वाली ले लेती हूँ। ओ नो मोना, 100 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? 100 रुपए में 2 दिन की सब्जी आती है। चुप कर भाई साहब, ये पैक कर दीजिए। वो मैडम पेमेंट काउंटर पे कर दीजिए। हाँ बुलबुल। हाँ माँ। बेटा पापा ने बोला ना कि नेक्स्ट मंथ को 1st तारीख को तुम्हें सब लाके देंगे वो। मम्मा पर तब तक तो मेरी डेट भी निकल जाएगी। और टीचर ने कहा है कि कल एडमिशन का लास्ट डेट है। ये रैकेट और ये स्पोर्ट्स शूज के बिना मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकती मम्मा, और मतलब मैं सीट तो गई। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना पापा सब ला के देंगे। आ जा मेरा अच्छा बच्चा। क्या हुआ मोना, पैसे दे देना। क्या हुआ तेरा माना।
इसका घर भी बिल्कुल महल जैसा है नहीं? अबे इनके बाथरूम जो होते हैं ना, वो हमारे कमरों से बड़े होते हैं। चलो बच्चों मैं जा रही हूँ, ओके? और 9 बजे के बाद टीवी बंद, कोई टीवी नहीं दिखेगा, ओके? और बुलबुल तुम, मैं, माँ मुझे सब याद है, मैं रानू और राजवीर का ख्याल रखूंगी, इन्हें यहाँ बस जाने नहीं दूंगी, समय पर खिलाकर समय पर सुला दूंगी, अगर कोई इमरजेंसी हुई ना तो आपको कॉल कर दूंगी। और अब जाओ मम्मी, नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी ना। ओके बाय 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 मम्मा। हाँ ये तो मेरी नई जोधपुरी है। नो पापा ने मना किया है। मुझे जलेबी और आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी। तू ना सच्ची मम्मी को मजा आएगा। बाय 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 बाय। यहाँ का एसी भी बहुत ठंडा है। अबे बस बस बस। जस्ट मेक योरसेल्फ्स कंफर्टेबल। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। नहीं सर, इट्स ओके, वी आर फाइन हियर सर। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, कम मीट माय वाइफ। व्हाट अ फैंटास्टिक पार्टी सर। कम डार्लिंग, दिस इज सूरी। हेलो मैम। दिस इज प्रदीप, ऑफिस से हैं। हेलो मैम। हेलो, क्या बात है, आप अपनी वाइफ्स को साथ नहीं लाए? नहीं जी, वो तो क्या है ना, इनकी फैमिली प्रॉब्लम। हेलो मैम, ये लोग ऑफिस लेट आते हैं और इनकी वाइफ्स ये पार्टीज। डोंट माइंड प्रदीप, जस्ट किडिंग। इट्स ओके। बाय द वे सर, दैट्स माय वाइफ शीतल। हम लोग पिछली पार्टी में भी मिले थे। Yeah, I do remember. Hi, Sheetal. How are you? I'm good, ma'am. How about you? I'm doing great. Nice sari. Thank you so much, ma'am. वैसे आपकी साड़ी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। Thank you. और वैसे भी मैंने ये साड़ी आप ही की रिकमेंड की हुई शॉप से तो खरीदी है मैम। ये कलर पैटर्न आप ही ने तो सजेस्ट किया था। तो तुम्हें अब तक याद है? Of course, ma'am. एक बात मानी पड़ेगी, हमारी वाइफ के जो टेस्ट है ना, वो बहुत मिलते जुलते हैं। सुन, मेरे को लग रहा है यही सही टाइम है। लग गया, लग गया। एक्सक्यूज मी सर। सर आज सुबह ऑफिस में, हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, आज सुबह ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन बनाई गई थी, मुझे उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ओह, हियर कम्स मिसेस सूरी एंड मिसेस प्रदीप, और साथ में उनका क्यूट क्यूट बेटा भी आया है। अरे ये क्या कर रहा है राजवीर? राजवीर, अब तो पार्टी की खैर नहीं है। मामा ने मना किया ना, नो बदमाशी, बैड बॉय, आजा, नो बदमाशी ना, ये ना सच्ची आज मैं बैग। अरे आई एम सो सॉरी। ओह हेलो बेबी। अरे कहाँ रह गई थी, कितना टाइम लगा दिया? कोई नहीं, चलो बॉस से तो मिलवाओ। एक्सक्यूज मी सर, माय वाइफ पमी। आई नो, पिछली पार्टी में मिल चुके हैं। सर माय वाइफ मोना। हेलो। या मोना, इनसे पहले मुलाकात हो चुकी है जी। प्रदीप तुम कुछ कहना चाहते थे? हाँ हाँ सर। सर आज सुबह ऑफिस। ओह वाओ मोना, यू आर लुकिंग नाइस। थैंक्स। क्या बात है भाई, दिन ब दिन इतनी यंग दिखने लगी हो। अरे नहीं, वैसे साड़ी बहुत खूबसूरत है तुम्हारी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तुम्हारी लकी साड़ी है राइट? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसी तो बात है, क्योंकि पिछली पार्टी में भी तुम यही साड़ी पहन के आई थी, है ना? मोना, अब तो मुझे इसके पैटर्न भी बाय हार्ट हो गए। कभी कभी लक को छोड़कर ट्रेंड्स को भी फॉलो कर लेना चाहिए, है ना? और वैसे भी सिटी मॉल में मैडम की एक फेवरेट शॉप है, जब कभी मैनेज कर सको ना तो वहाँ से एक सिल्क की नई साड़ी जरूर ले लेना। राजवी, नो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। It's okay, I understand. बच्चा है ना? तुम कुछ कह रहे थे ना? छोड़ो, छोड़ो।
नहीं सर, बाद में बात कर लूंगा, प्लीज सर। तुम मेरी छोटी सी बात भी नहीं सुन सकती ना? ऐसी कौन सी बड़ी चीज एक्सपेक्ट कर रहा था मैं? सिर्फ इतना ही कहा था ना कि बड़ी पार्टी है, इंपॉर्टेंट पार्टी है, तो एक अच्छी सी नई साड़ी पहन कर आ जाना। पैसे भी दिए थे तुम्हें, फिर क्यों पुरानी साड़ी पहन कर आई? क्यों नहीं नई साड़ी खरीदी, बताओगी? प्रदीप, मैंने प्लीज अब ये मत कहना कि घर के कामों में बिजी हो गई थी। घर के काम मोना, घर के कामों से बढ़कर भी जिंदगी में और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और अच्छी वाइफ वही होती है जो घर के काम के साथ साथ अपने पति के करियर में भी उसका साथ दे। लेकिन तुम तो घर के सारे काम करती हो, मुझे खाना बनाकर खिलाती हो, मेरे कपड़े धोती हो, मेरे बच्चों का ख्याल रखती हो, उन्हें पढ़ाती हो। तुम घर का एक एक काम करती हो सिवाय एक काम, तुम कभी मेरी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। यू आर जस्ट नॉट बॉदर्ड अबाउट मी। समझती क्यों नहीं, ये इंक्रीमेंट, ये प्रमोशन, ये सब मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं तुम्हें और बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं यार। और अच्छी जिंदगी बदकिस्मती से अच्छे पैसों के साथ ही जुड़ी होती है। लेकिन तुम्हारे लिए तो मेरे एफर्ट्स कुछ मायने नहीं रखते। मतलब पति जिए, अरे मैं पागल हूं जो बड़बड़ा रहा हूं? ना कितना बदल गई हो तुम, हैव यू सीन योरसेल्फ? कहां गई वो लड़की जिससे मैंने शादी की थी? कहां गई वो लड़की जो हर सुख दुख में मेरा साथ देती थी, जो अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करती थी कि उसका हस्बैंड उसे इंट्रोड्यूस कराते वक्त प्राउड फील करे? आई डोंट सी दैट गर्ल एनीमोर। क्योंकि इस वक्त जो लड़की मेरे सामने खड़ी है, उसे ना तो मुझसे कोई मतलब है और ना मेरी काम से कोई मतलब है। तुम जानना चाहती थी ना कि आज ऑफिस में मेरे साथ क्या हुआ? आज फिर मेरे काम का क्रेडिट वो कुकरेजा लेके गया। सोचा था हम दोनों एक साथ मिलकर बॉस के सामने इंप्रेशन जमाएंगे, फिर मैं उनसे बात करूंगा, कहूंगा सर कि आज की प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, आज के पहले भी जितनी प्रेजेंटेशन बनी है वो सब मैंने ही बनाई, इसलिए आई डिजर्व अ प्रमोशन। लेकिन नहीं, तुमने तो मेरे किए कराए पर सारा पानी फेर दिया। इसी में इंटरेस्ट है तुम्हें? सुबह तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी साथ वाद देने की, फिर आन मौके पर क्या हुआ, सब खत्म कर दिया, फिनिश। क्यों मोना, क्यों नहीं खरीदी नई साड़ी? पैसे तो दिए थे मैंने तुम्हें, फिर क्या किया, क्या किया उन पैसों का? क्या खरीदा, सब्जी, तरकारी? मेरी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, जो पूछ रहा उसका जवाब दो। क्यों नहीं खरीदी तुमने नई साड़ी? पापा, आप लोग क्या कर रहे हो? पापा, थैंक यू, यू आर द बेस्ट पापा। थैंक यू पापा, आपको मानते हैं तो फिर भी आपने मम्मी को कहा कि मेरा टेनिस रैकेट लाने के लिए। थैंक यू पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, थैंक यू। बेटा, पापा मेरे चार महीने वेस्ट हो जाते और सेमेस्टर भी, लेकिन आपको याद रहा, थैंक यू पापा। क्या हुआ? तुमने रैकेट खरीदा उन पैसों से? मैं साड़ी खरीदने गई थी प्रदीप, मैंने पसंद भी की थी, मैं खुद अच्छी दिखना चाहती थी पार्टी में, लेकिन जब बुलबुल को देखा तो
अगर रैकेट खरीद के नहीं देती तो उसका पूरा साल खराब हो जाता है प्रदीप। वो पार्टी में वो उसने मेरी पुरानी साड़ी को लेकर जो कुछ भी बोला मुझे उतना बुरा नहीं लगा प्रदीप, लेकिन अगर मेरी बुलबुल को अपना मन मानना पड़ता तो बहुत बुरा। उसकी उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल पाती मैं प्रदीप। मैं जानती हूँ ये प्रमोशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी, हम सबकी जरूरतें बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले हमारे बच्चे जरूरी हैं प्रदीप। क्या करूं, माँ हूं ना, इसीलिए बीवी के फर्ज से पहले माँ की जिम्मेदारियां याद रहती। आई डोंट नो तुम्हें मैं समझा पा रही हूं कि नहीं, बट सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही मोना, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं भूल गया था कि हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, अब पेरेंट्स भी हैं। लेकिन तुम ये नहीं भूली। क्या होता है मोना कि एक आदमी जब अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ से मोहब्बत करता है ना, एक साल, दो साल, पांच साल, कभी ना कभी उसका प्यार कम हो ही जाता है। लेकिन अपने बच्चों की मां से उसका प्यार कभी कम नहीं होता मोना, उल्टा हर दिन बढ़ता जाता है। जैसे आज मेरा प्यार और बढ़ गया है अपने बच्चों की इस मां के लिए। I'm sorry यार। मम्मा। आई